एस ब्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और शशांक। तो दोस्तों, आप लोग के लिए कोशिश करते हैं नई नई डीलरशिप, चाहे वो कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे बरेली हो, चाहे लखनऊ हो, वहां की नई नई डीलरशिप एक्सप्लोर करें, अच्छी अच्छी डील दिखाएं, नए नए लोगों को जोड़ें, आप उनकी गाड़ियाँ देखें, उनकी गाड़ियाँ कैसी हैं ये देखें, क्या रेट है, ताकि आपको अंदाज़ा लगे आपके लिए कौन सी परफेक्ट जगह है जहाँ पर आप प्री ओन्ड कार खरीद सकते हैं। इस समय हम जिस जगह खड़े हुए हैं उसका नाम है ऑटो वैल्यू, चिन्हट लखनऊ में खड़े हुए हैं, और यहाँ का बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेडान कार्स का कलेक्शन दिखाएंगे। तो चैनल पे जो भी पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिए, ताकि हम जिस कार बाज़ार एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ की अपडेट आपको पहले ही मिलती रहे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियो पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पे ये रहे। क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप कैसे? बढ़िया है। तो आज कलश जी के साथ हम खड़े हुए हैं, यहाँ का सेडान दिखाएंगे, एसयूवी का भी हमने पिछला वीडियो डाला है वो भी आप देख सकते हैं, एसयूवी दिखाई है, आज हम भैया सेडान दिखाएंगे जी। तो सेडान में भैया किन किन गाड़ियों, मतलब जिन गाड़ियों की ज्यादा डिमांड रहती है, टोयोटा, हुंडई, सिटी, बेसिक यही है। तो होंडा सिटी का डेडिकेटेड कलेक्शन रहेगा, और आपको बहुत सारे भाई कोरोला एल्टिस लेना चाहते हैं, प्रीमियम सेडान लेना चाहते हैं, उनके लिए भी डील बहुत ही कम बजट में अवेलेबल है। तो सारी गाड़ियों की डिटेल देंगे आज भैया, फिलहाल हम शुरू कर दें इसी गाड़ी से जी। तो इस गाड़ी से शुरू करते हैं, कोरोला एल्टिस खड़ी है भैया, इसकी डिटेल दे दीजिए, कौन सा मॉडल है? सर ये 2009 की है। ओके, कितना चल गई होगी गाड़ी? चली है 80,000 के अराउंड। 80,000 जी। ओके, 80,000 भैया आपने कहा। हमारा क्वेश्चन रहता है सभी कार बाजार में, मीटर टेम्परिंग तो कोई नहीं होती? नहीं, मीटर टेम्परिंग कुछ नहीं। 80,000 रिकॉर्ड, जिसको भी डाउट है कस्टमर जाए सर्विस सेंटर चेक करा ले, मैकेनिक ले, जैसे उसको इच्छा हो वहां से चेक करा ले, पूरी तरीके से वेरीफाई करिए, जितने भी डाउट है क्लियर करिए, फाइनल जब पेमेंट दीजिए तो आपको फ्यूल डलाना हो लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे निकलना हो ऐसी गाड़ी मिलेगी। फिलहाल ये फर्स्ट ओनरशिप है, सेकंड ओनरशिप है, 2009 है जी। 80,000 चली हुई है। कुछ भैया पेंट की कंडीशन हम पूछेंगे, कितने पीस टचअप हुए होंगे? पेंट में आगे पीछे का बम्पर तो होता ही है, बाकी हल्का फुल्का टचअप है, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट। एक्सीडेंटल में तो कोई डील नहीं होती है, हमारी पूरी गारंटी रहती है। ओके, एक्सीडेंटल की, मीटर की, ये सब में गारंटी रहती है। तो अच्छी चीज़ है, आपको पूरी तरीके से एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे पूरी बढ़िया डील होगी, आपको कोई भी निराशा नहीं मिलेगी कि हमने पैसे जो लगाए हैं वो हम वसूल नहीं कर पा रहे, ऐसी गाड़ी नहीं रहेगी। और भैया ये टॉप वेरियंट है, सेकंड टॉप है, पेट्रोल है, डीजल है? ये टॉप वेरिएंट पेट्रोल है। पेट्रोल है, तो पेट्रोल का टॉप एंड वेरिएंट है। पेट्रोल पे भैया माइलेज भी हम पूछेंगे, क्या माइलेज ये लगभग दे देती होगी, एक अंदाजा? 10 से 12 का शहर में निकालेगी, 15 के आसपास में है। ओके, 10 से 12 आपको माइलेज दे देगी, बहुत ज्यादा उम्मीद ना करिए क्योंकि बड़े इंजन 1.8 लीटर यानी 1800 cc का इंजन रहता है इसमें, है ना भैया? क्या डिमांड करेंगे इसकी? सर ये हमारे यहाँ आस्किंग इसकी जो है वो 2,80,000 रुपए की आस्किंग। 2,80,000 में आपको कोरोला एल्टिस मिल रही है, प्रीमियम सेडान है, आइए फटाफट, बढ़िया डील है, लेके चले जाइए, और थोड़ा बहुत चैनल का रेफरेंस दीजिएगा, सम्मान रख लिया जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना भैया? अब आ जाते हैं अपने पास, उसी का न्यू शेप है भैया जी, ये उसी का न्यू शेप, इसकी भी डिटेल दे दी है, नंबर भी बहुत प्यारा है, 9797, और सबसे अच्छी चीज है कि लखनऊ का नंबर है, बेस की डिटेल दे दी है। सर ये 2015 की है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, ओके, चल चुकी है ये 149 मतलब 1,49,000। अब देखिए आपको ही अंदाजा लग रहा होगा कि मीटर यहाँ छेड़छाड़ होता है कि नहीं, 2015 है, 1,49,000 बताया है, तो आपको जो डील मिलेगी वो एकदम बढ़िया मिलेगी, 1,49,000, 2015 है। वेरिएंट ये कौन सा है भैया? ये वेरिएंट बीच वाला मॉडल है, बीच वाला है, सेकंड टॉप है। ये पेट्रोल है या डीजल? डीजल में है, डीजल है, डीजल पे भी माइलेज हम पूछेंगे, माइलेज तो अच्छा था, ये आपको स्विफ्ट से बेहतर माइलेज देगी, स्विफ्ट से अच्छा दे देगी। ओके, टोयोटा की कोरोला एल्टिस न्यू शेप है, कलर भी बहुत प्यारा है, मतलब आपको लगेगा कि एग्जीक्यूटिव क्लास के जो लोग हैं वही कलर परफेक्ट वाला मिला हुआ है। और इसमें भी भैया हम पूछेंगे, कुछ टचअप हुआ है पीस? इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, एज इट इज लेते हैं, हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, कहीं शहर में चलती नहीं है। ओके, तो पूरी गाड़ी स्टॉक है, सेकंड टॉप है, 2015 टोयोटा की गाड़ी है, रिफाइनमेंट अच्छा रहता है, इंजन की रिलायबिलिटी आपको किसी को डाउट ही नहीं होनी चाहिए। अब भैया फाइनल हम पूछेंगे क्या आस्किंग रख रहे हैं इसकी? इसकी आस्किंग जो है 875। क्या प्राइस अभी नया का होगा?
नहीं तो ये गाड़ी उस टाइम की 20 लाख रुपए की, 20 लाख की है जी। ओके, तो मतलब आधे से भी आधे, मतलब लगभग एक तरीके से 60% आपके प्राइस बच रहे हैं, और ये भी नेगोशिएबल है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, इसमें कुछ रिगार्ड नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा। आप आइए, डील क्रैक करिए। अब भैया अपने पास थोड़ा सा और हम इस साइड आ जाएंगे और देखेंगे, एक गाड़ी वहाँ भी खड़ी हुई है। ये सर 2010 की है, डीजल में है ये वाली। ओके, डीजल में है, 2010 की टोयोटा कोरोला LTC है, और लगभग वही कलर है भैया जो पहले वाले में दिखाया, लगभग वही कलर है। ओके, ये ओनरशिप क्या है? ये फर्स्ट ओनरशिप है। पेट्रोल पे है? डीजल। डीजल है, तो यानी ऑप्शन आपको मिल रहा है, कलर का भी ऑप्शन मिल रहा है, मन हो आप डीजल पे जाइए, मन हो पेट्रोल पे जाइए, कोरोला LTC ही ले जाइए। 2010 बताया ओनरशिप भैया फर्स्ट है, ये कितना चली होगी? ये चली है 90,000 जी, 90,000 चली हुई है कोरोला LTC। ये भी 1.8 लीटर पे आती है, डीजल है। इस पे भी भैया डीजल पे हम पूछेंगे इसका माइलेज क्या होगा लगभग? इसका भी वही 20 प्लस ही में माइलेज है इनका, 20 के आसपास निकाल देती है। ओके, तो सेडान है, टोयोटा का भरोसा मिलेगा, रिलायबिलिटी मिलेगी, टोयोटा तो कहती है हमारे इंजन को, आप लोग 1 लाख के बाद रिफाइनमेंट टेस्ट करिए कि कैसी है। अब फर्स्ट ओनरशिप टोयोटा कोरोला LTC, इसमें भैया ये टॉप वेरियंट है? नहीं, ये टॉप वेरियंट है, ये भी बीच वाला मॉडल है। बीच वाला है जी। ओके, बीच वाला है, एयरबैग होगा इसमें? जी जी, एयरबैग होगा, दो होंगे या एक होगा? दो एयरबैग। तो ठीक है, पायलट साइड और को पायलट दोनों साइड एयरबैग मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम लगाई हुआ है, लेदर सीट कवर है ना भैया? क्या डिमांड करेंगे सर? इसकी जो आसिंग है वो 4.5 लाख, यानी 4.5 लाख में आपको बढ़िया प्रीमियम सेडान मिल रही है टोयोटा कोरोला LTC। आप अपने पास भैया LTC हमने दिखा दी, बहुत सारे लोग सिटी चाहते हैं, ऊंचा वेरियंट चाहते हैं, सेकेंड शेप मतलब टाइप, ये सिटी का तो बहुत सारे शेप है, अभी फिलहाल लेटेस्ट से 3 शेप नीचे है, इसकी भी डिटेल दी है, सनरूफ भी अवेलेबल है, तो बढ़िया गाड़ी, इसी की डिटेल दे दी भैया। ये सर जो है ये 16 मॉडल है। ओके, फर्स्ट ओनरशिप में है, गाड़ी 65,000 के आसपास चली हुई है, मात्र 65,000 जी। ओके, 65,000 चली हुई है, होंडा सिटी है, सनरूफ वाली यानी टॉप एंड वेरिएंट है, इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता था। ओके, होंडा सिटी का है, पेट्रोल है भैया? डीजल। डीजल है, डीजल है, डीजल पे भैया सिटी का माइलेज क्या होगा? इसका भी, इसका भी 18 से 22 की रेंज आती है इसकी। ओके, सिटी का है, पेंट भैया पूछेंगे सिल्वर कलर है, एक भी स्क्रैच नहीं लगे हुए हैं, कुछ पीस टचअप हुआ है इसमें? तो बम्पर आगे पीछे का? बम्पर हुआ है आगे पीछे का, लड़ी बड़ी भैया कोई डील नहीं करते हैं, गारंटी है भाई, गारंटी दे रहे हैं, तो ऑन पेपर गारंटी दे रहे हैं आपको, मतलब रिलैक्स होके आना है, डील क्रैक करना है। 2016 मॉडल, टॉप एंड वेरिएंट, सनरूफ वाली होंडा सिटी, क्या डिमांड करेंगे भैया? इसकी जो डिमांड है वो 7,50,000 रुपए, 7,50,000 है, अभी सिटी पे जाएंगे तो 15-16 लाख रुपए देके आएंगे, अभी वाला शेप कम से कम। अब भैया अपने पास एक और, जिसको भी मतलब मॉडल नीचे ही है जी, एक साल नीचे है, एक साल नीचे है, 2015 खड़ी है, इसकी भी डिटेल दे दीजिए। डीजल है ये भी। ओके, 45,000 किलोमीटर चली हुई है, मात्र 45 जी। ओके, ऑन रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड, चेक करा सकते हैं जी, सब गाड़ी चेक करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, हम भी चेक कराएं, हमारे भाई भी चेक कराएं, डील बिल्कुल बढ़िया ले जाएं। 2015 होंडा सिटी है, डीजल है जी, फर्स्ट ओनरशिप डीजल ये भी है, इसका मतलब हम पूछेंगे आस्किंग क्या रख रहे हैं? इसकी 7 लाख रुपए आस्किंग है। 7 लाख जी, ठीक है, तो 7 लाख रुपए आस्किंग है। बगल में भी एक भैया टोयोटा सिटी मतलब होंडा सिटी खड़ी है विंटेज वाली, उसकी भी डिटेल दीजिए, जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ओके, 2008 की है, ओनरशिप फर्स्ट है, पेट्रोल ही आती थी वो, ठीक है, वो चली है 90 के अराउंड है, 90,000 जी। ओके, 90,000 इन गाड़ियों के लिए भैया कोई बड़ी बात तो है नहीं है। होंडा सिटी ZX है, सबसे ज़्यादा आज भी डिमांड की जाती है कि भैया होंडा सिटी ZX मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ZX मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन इसका रहा है फिलहाल, होंडा सिटी हमेशा अपने इंजन से परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, होंडा सिटी ZX है। भैया इसमें कुछ पेंट हुआ है इसमें? इसमें थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है, टचअप भैया लगभग हर गाड़ी में तो होता ही है, क्योंकि स्क्रैचेस लगते रहते हैं, कोई बहुत ही मेजर मतलब बहुत रेयर केस में मिलती है बिना टचअप वाली गाड़ी, भाई भाई। है ना, तो फिर 6 महीने पुरानी हो, 6 महीने पुरानी हो। ओके, अब होंडा सिटी है, 2008 बताया जी, फर्स्ट ओनरशिप, फर्स्ट ओनरशिप, पेट्रोल है? पेट्रोल। क्या डिमांड करेंगे? 2,50,000 ढाई लाख में आपको होंडा सिटी मिल रही है, बढ़िया कंडीशन की गाड़ी है, अच्छी चीज है कि फर्स्ट ओनरशिप है जी, वही 2008 में फर्स्ट ओनरशिप मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, और अभी आप आराम से 3 साल चलाएंगे लगभग, और उसके बाद RR हो जाता है, पेट्रोल गाड़ी में RR में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। RR का मतलब होता है री रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोग पूछते हैं RR क्या होता है, तो री रजिस्ट्रेशन मतलब जब आप गाड़ी का जो RC की लिमिट है वो खत्म हो जाती है, तो एक्सीड कराने के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बगल में भैया एक और होंडा सिटी टाइप 4 या 3 में आती है ये, इसकी भी डिटेल दे दीजिए सर। ये 2013 की पेट्रोल है,
ओनरशिप इसकी फर्स्ट है। ओके, गाड़ी चली है ये कुछ 80 के अराउंड, 80,000 जी। पेट्रोल है? पेट्रोल है। पेट्रोल पे इसका भैया माइलेज वाइलेज में कोई अंतर है पुरानी सिटी ZX में और इसमें? एक ही इंजन है, वही एक ही इंजन है, ट्यूनिंग के बाद आज भी वही यूज हो रहा है। वही यूज हो रहा है, ठीक है। तो अपग्रेड किया गया है, थोड़ा सा ट्यूनिंग कर दिया थी, रिफाइनमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी गाड़ी सबसे बढ़िया लगती थी, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। कलर भैया वाइट कलर है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब इसकी ओनरशिप आपने फर्स्ट बताया 80,000 चली हुई जी। ये पेट्रोल है डीजल? पेट्रोल है। पेट्रोल है, पेट्रोल है। पेट्रोल पे इसका भी माइलेज वाइलेज बढ़िया रहता है, क्या डिमांड इसकी रखेंगे? सर इसकी डिमांड जो है वो 4.25 4,25,000 रुपए में आपको होंडा सिटी मिल रही है। सारी गाड़ियां भैया हमने दिखा दी, एक अपने पास मारुति की भी सेडान खड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों का मारुति पे ट्रस्ट है, मारुति की गाड़ी लेना चाहते हैं, सेडान लेना चाहते हैं, और ये वो वाली सेडान है जिसको सियाज ने रिप्लेस किया है ना भैया, इसकी भी डिटेल दे दीजिए। सर ये 2009 की है, SX4 है, ZX आई है, ठीक है, टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट पेट्रोल है, ओनरशिप इसकी भी फर्स्ट है। ओके, गाड़ी चली है कुछ 45,000 के, मात्र 45 जी। तो मात्र 45,000 चली हुई मारुति की सेडान है। और ये भी भैया अगर बात करें माइलेज वाइलेज तो इसका मारुति तो माइलेज मशीन के नाम से जानी जाती है, स्विफ्ट वाला ही माइलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी गाड़ी है, इसमें आपको मतलब थोड़ा सा भारी, जो स्विफ्ट वाला नहीं लेकिन स्विफ्ट से ऊपर थोड़ा सा एक 1.4 या 1300 कुछ सीसी का इंजन आता था। बढ़िया गाड़ी है, सेडान है, मारुति की प्रीमियम सेडान उस समय रहती थी, उस समय इसमें एयरबैग आता था जी, है ना भैया, एयरबैग कम डिफरेंट म्यूजिक सिस्टम। ओके, क्या डिमांड करेंगे सर? इसकी जो डिमांड है वो 275 तो 2,75,000 रुपए में मारुति की टॉप एंड वेरिएंट सेडान मिल रही है। इसके लिए आप जा सकते हैं। सारी गाड़ियां भैया हमने दिखा दी, एक एक गाड़ियां। अब इसमें बहुत सारे लोग चाहेंगे कि भैया अपने पास फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं है, फाइनेंस है तो किस मॉडल से फाइनेंस शुरू होती है, अपना दायरा क्या है, मतलब सिर्फ लखनऊ में फाइनेंस करेंगे या पैन इंडिया कर देंगे या सिर्फ यूपी में फाइनेंस करेंगे, इसकी भी डिटेल दे दीजिए। हमारा जो फाइनेंस है वो यूपी में आप कहीं से भी हो आपका फाइनेंस हो जाएगा। ओके, 2013 या उसके ऊपर की गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट 2 साल का ITR, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, तो सारी डिटेल दे दी। अब इस समय भैया हम किस जगह खड़े हुए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, हमारे भाई किस समय कॉल करें तो हम उसको अच्छे से उनको असिस्ट कर पाएंगे, इसकी भी डिटेल। हमारे शोरूम की जो टाइमिंग है वो 11 से 8 है, तो हमारे शोरूम की लोकेशन है ये चेनेट पे न्यू हाई कोर्ट के पास में शोरूम है हमारा, ठीक है, GS लॉन के अपोजिट ऑटो वैली के नाम से। ओके, तो सारी डिटेल दे दी, डिस्प्ले हो रहा होगा, एड्रेस। भैया मिलते हैं ऐसे ही कुछ दमदार कलेक्शन के साथ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको यूं ही मिलती रहे। तब तक के लिए कोरोना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।